हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था, इश्क पे पूरा यकीन था, पर जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है उसे तो बदल नहीं था। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से
6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था।
जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है। जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है, मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था।
जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है। जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है, मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।
और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था।
समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है। जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है, मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है।
आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में।
तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी, जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई
उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में।
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है जब वे उसे चर्च में देखता है। समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है।
समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में।
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है।
समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में।
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई
उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूंकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अब अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर।
जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में।
मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी, तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है। समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी जब तक है जान मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब तक है जान मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 13 नवंबर 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड ड्रामा मूवी जब तक है जान, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों यश चोपड़ा, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 90% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 66% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शरीब हाशमी, एडू बिकनेले, सारिका आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 56 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको किस तरह की लगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है भारतीय सेना में मेजर समर आनंद बिना किसी डर या अपनी सुरक्षा की परवाह किए बम को निष्क्रिय कर देता है। डिस्कवरी चैनल की फिल्म निर्माता अकीरा राय बाद में लद्दाख में पेंगोंग झील में गोती लगाती है और उसे बचा लेती है। समर उसे अपनी जैकेट देता है और उसे वापस लेने से पहले चला जाता है। अकीरा को जैकेट की जेब में उसकी डायरी मिलती है और वे उसे पढ़ना शुरू कर देता है। डायरी लंदन में एक संघर्षशील आपसवासी के रूप में समर के शुरुआती वर्षों का वर्णन करती है, जहां वे एक सड़क पर संगीतकार के रूप में काम करता था, जो खुद और अपने रूममेट जेन का भरण पोषण करने के लिए अन्य छोटे मोटे काम भी करता था। समर एक वेटर के रूप में अंशकालिक काम कर रहा है, जब वे मीरा से उसकी और उसके मंगेतर रोजर की सगाई की पार्टी में मिलता है। मीरा बिना माताओं के एक समृद्ध पंजाबी भारतीय परिवार में पली बड़ी। जब वह 12 वर्ष की थी तब उसकी माँ दूसरे आदमी के पास चली गई। उसके जीवन के प्रमुख व्यक्ति उसके पिता हैं, जिनकी कंपनी के लिए वे काम करती है।
समन ने देखा कि मीरा अक्सर प्रार्थना करती है। जब वे उसे चर्च में देखता है, समर और मीरा एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मीरा भगवान से समर के प्यार में न पड़ने का वादा करती है। अपने अतीत का सामना करने के लिए समर मीरा को उसकी अलग हो चुकी माँ से मिलने ले जाता है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद मीरा अपने पिता के सामने समर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल करने और अपनी सगाई तोड़ने का फैसला करती है। समर की मोटरसाइकिल पर एक गंभीर दुर्घटना होती है और मीरा एक और वादा करती है, चूँकि वे अपने पिछले शब्दों से मुकर गई है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली न्यू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।